हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मनोज वात्सा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ऑल स्मार्ट गैजेट। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू करके बताने वाले हैं एक छोटू सा नन्हा सा प्यारा सा इस मिनी स्पीकर का। जी हां दोस्तों, ये है वो मिनी स्पीकर जो कि लिखा है यहां पे मिनी स्पीकर। मॉडल नंबर दोस्तों VS887 यहाँ पे देख सकते हैं। इस तरह से ऊपर से कुछ इधर दिखाया गया है, साइड से चारों तरफ से दोस्तों ऐसा ही दिखाया गया है। इसी का अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू करके पूरी जानकारी देंगे दोस्तों एस लेकर जेड तक। बोले तो क्या खास बातें हैं, क्या क्वालिटी है, क्या प्राइस है, क्यों लेना चाहिए, कहाँ से ले सकते हैं, सारी जानकारी देंगे इस वीडियो में। तो आप भी बहुत सोच रहे दोस्तों इसे कुछ लेने के लिए अपने पर्सनल यूज या फिर बच्चों के लिए घर में या जैसा आपका अकॉर्डिंग हो यूज करने के लिए, तो ये वीडियो लास्ट तक देखते रहें ताकि लास्ट में आप ये डिसाइड कर सकें कि ये मिनी स्पीकर आपके काम का है, आपको लेना चाहिए या नहीं। तो चलिए दोस्तों वीडियो में फालतू को बात नहीं करते हैं, शुरू करते हैं आज का वीडियो। शुरू करने से पहले दोस्तों ये बोलना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेने का, और लाइक तो करना ही आपको पड़ेगा अगर वीडियो अच्छा लगे तो, और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें अगर अच्छा लगे वीडियो और लगे आपको ये जानकारी दूसरों तक पहुँचना चाहिए। तो चलिए फालतू बात नहीं करते हैं, देखते हैं इसे खोल के। देख सकते हैं दोस्तों कुछ इस तरह से दिखता है, ये ब्लू कलर मिल रहा है यहाँ पे दिखाया हुआ है। देख सकते हैं अंदर बॉक्स जो मिलेगा हम लोग को मिनी स्पीकर वो ब्लू कलर का है। यहाँ पे कुछ डिटेल दिया हुआ है दोस्तों, मेन मेन फीचर हाईलाइट किया हुआ है तो बता दूँ। यहाँ पे कॉल का सीन दिया हुआ है, बोले तो दिखाया गया है, और ये USB का जो कि आप पिन ड्राइव वगैरह सुन सकते हैं। यहाँ पे बैटरी का और ये दिया हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ मोबाइल फोन कॉल, और तो कुछ इसमें दिया हुआ है दोस्तों। यहाँ पे मॉडल नंबर मिल जाता है, देख सकते हैं VS887 एंजॉय लाइफ एंजॉय म्यूजिक लिया हुआ। चलिए दोस्तों इसमें फालतू की बात नहीं करते हैं, खोल के देखते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे कुछ इस तरह से मिल जाता है बॉक्स के अंदर। बॉक्स के अंदर कुछ नहीं मिलता, इसको हटा देते हैं। तो सबसे पहले इसको बता दूँ दोस्तों यहाँ क्या क्या मिल जाता है। तो चार्जिंग केबल मिल जाता है, जानते हैं जैसे कि सभी में चार्जिंग केबल मिलता है, छोटू सा रहता है, नन्हू सा, प्यारू सा, तो क्वालिटी इसका ठीक ठाक है। इसको रख देते हैं साइड में। साथ मिल जाता है दोस्तों ऑक्स केबल जिससे आप गाने सुन सकते हैं मोबाइल से कनेक्ट करके, इसको भी रखते दोस्तों साइड में। ये मेन हम लोग का स्पीकर है जो कि थोड़ा हेवी लग रहा है हमको। पन्नी को उतार लेते हैं और देखते हैं, ब्लू कलर बहुत ही खिल रहा है दोस्तों, देख सकते हैं लाइट मार रहा होगा आप लोग को भी देखने में, बहुत ही अच्छा लग रहा है ब्लू कलर। ब्लू एंड ब्लैक का दिया हुआ है यहाँ पे, देख सकते हैं इस तरह से कुछ दिखाया गया है। कौन कंपनी का था दोस्तों यहाँ पे नहीं दिया हुआ था, सिर्फ मिनी स्पीकर लिखा हुआ था। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे कुछ इस तरह से डिटेल दिया गया है। सबसे पहले बता दूँ ये है क्वालिटी, वो भी चीज़ है दोस्तों, ये हैवी क्वालिटी बनाया गया है, मेटल तो नहीं है, इधर मेटल का दिया हुआ है जो कि जाल जैसा रहता है, देख सकते हैं इसको क्या बोलते हैं, मेटल में आता है दोस्तों, जब टीना का है जो कि छेद छेद रहता है वही वाला यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे चंद्रमा ऐसा दिखाया गया है, ये मेटल जैसा है, और पीछे से प्लास्टिक का मिल जाता है यहाँ पे, देख सकते हैं बोले तो फाइबर का, और यहाँ पे कुछ तो बताने से है नहीं बॉडी के बारे में, तो चलिए बॉडी के बारे में बता दिए। यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों बटन मिल जाता है, बटन ये मोड़ है यहाँ पे, ये मोड़ यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, बोले तो इसमें जैसे आप क्लिक करके बोले तो बटन को इनको प्रेस करके आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपको सुनना किस में है, USB में या फिर माइक्रो SD कार्ड में, ब्लूटूथ में या फिर ऑक्स केबल में, इससे आप चेंज कर सकते हो दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं कॉल रिसीव करने का दिखाया गया है, इसी से दोस्तों आपका गाना वगैरह पॉज होगा और प्ले होगा, ठीक है। ये है माइनस का और ये है प्लस का, इससे गाना का साउंड बढ़ा सकते हैं, इसे घटा सकते हैं। मिल जाता है चार्जिंग चार्ज करने वाला, और ये है ऑक्स केबल लगने दोस्तों, जिससे कि मैंने इसमें बताया था। यहाँ पे लगेगा माइक्रो SD कार्ड, यहाँ छोटू सा छेद दिखा रहा है, बोले तो दिख रहा है, ये है दोस्तों माइक, आप यहाँ से भी बात कर सकते हैं अगर आप कॉल उठाते हैं तो, ठीक है। और यहाँ पे लग जाता है USB, बोले तो पेन ड्राइव वगैरह लगा सकते हैं। राउंड ऑफ करने के लिए दोस्तों यहाँ पे नीचे दिया हुआ है इसमें, ठीक है। और ये मिल जाता है हैंगर, बोले तो टांगने वाला, जहाँ चाहे वहाँ पे इसे टांग सकते हैं। और तो कुछ बताने से इसमें नहीं दिख रहा है दोस्तों मेरे को, क्वालिटी ओवरऑल ठीक ठाक ही है, थोड़ा हैवी लग रहा है, उतना हल्का भी नहीं है। तो दोस्तों आप अगर ऐसा कुछ लेना चाह रहे थे तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि ऐसा ही एक स्पीकर का सेम टू सेम दिखने वाला हाईटेक कंपनी का मैंने एक अनबॉक्सिंग किया था, वो वीडियो एक बार आप देख सकते हैं, उसके बाद आप डिसाइड करें कि ये दोस्तों इसमें फालतू बातें नहीं करते हैं और इसमें ऑन करके देखते हैं, इसका साउंड क्वालिटी चेक करके देखते हैं कैसा क्वालिटी है। बॉडी सब तो ठीक ठाक है दोस्तों, इसका आप साउंड भी चेक कर लेते हैं, उसके बाद आपको बताएंगे कि कैसा इसका साउंड क्वालिटी है।
ऑन करने के लिए यहाँ पर देख सकते हैं ऑन ऑफ लिखा हुआ है, तो चलिए इसको ऑन कर लेते हैं। The Bluetooth device is ready to pair. जैसा कि दोस्तों ये ऑन हो गया, तो हम लोग इसको साउंड चेक करने के लिए यूएसबी बोले तो पेन ड्राइव लगा के चेक करेंगे। म्यूजिक प्ले मोडर, तो दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं ज़्यादा मैं गाना प्ले करके नहीं सुना सकता, नहीं तो मेरे चैनल पे कॉपीराइट आने का खतरा हो सकता है। तो दोस्तों इसका साउंड क्वालिटी मुझे अच्छा ही लगा, क्योंकि इसका जो बेस था वो भी अच्छा लगा। तो दोस्तों जहां तक इसकी रही बात बैटरी बैकअप का, तो बैटरी बैकअप ठीक ठाक दोस्तों देता है ये, 3 से लेकर 4 घंटा तक देता है जल्दी, ठीक है। तो इससे आप इंजॉय कर सकते हैं, आप बोले तो गाने वगैरह सुन सकते हैं, 3-4 घंटा कम नहीं होते दोस्तों। और चार्जिंग टाइम इसका ले लेगा आपका एस लेकर 1.5 घंटा तक ले लेगा, ठीक है, फुल चार्ज होने के लिए, और चलेगा 3 से लेकर 4 घंटा तक। तो दोस्तों इससे आप ऑनलाइन या ऑफलाइन कहीं भी परचेस कर सकते हैं। ऑफलाइन परचेस कीजिएगा दोस्तों तो ये मिल जाएगा आपको इजीली 150 से लेकर 200 के अंदर मिल जाएगा, और ऑनलाइन लीजिएगा तो यही 250 से लेकर 300 तक भी लग सकता है। तो देख ले अपने अकॉर्डिंग जहाँ आपको मिलता है आपसे परचेस कर सकते हैं। दोस्तों आज का वीडियो उम्मीद करता है वीडियो अच्छी लगेगी, थोड़ी सी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेने का। सब्सक्राइब करने के बाद छोटी सी घंटी दिखा दो, घंटी को हल्लू से दबा के बड़ा सा घंटा बनाना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।